सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 15 जुलाई सन 2021 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि हिंदी में प्रकाशित किए गए हैं। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के 28वें राज्यपाल बने हैं? ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के। डी आपका आंसर हो जाएगा। राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं? अनुच्छेद 154 में। राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम UPI को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया भूटान में। भी आपका आंसर हो जाएगा। भीम UPI फुल फॉर्म यहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं, भारत इंटरफेस ऑफ मनी इसकी फुल फॉर्म है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत में लॉन्च किए गए स्वदेशी डिजिटल पेमेंट ऐप भीम UPI ने देश के बाहर कदम रख दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए भीम UPI को भूटान में भी लॉन्च कर दिया है। भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की करेंसी नगोल ट्रोम है। प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग है। भारत के 4 राज्य भूटान से लगते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NTPC रेल देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना कहाँ करेगी? ये करेगी लद्दाख में। बी आपका आंसर हो जाएगा। NTPC की सहायक इकाई NTPC रेल लद्दाख में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना करेगी। शुरुआत में NTPC ने इस क्षेत्र के 5,005 हाइड्रोजन बसें चलाने की योजना बनाई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य लद्दाख को कार्बन रहित बनाना है। NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। MD & CEO गुरदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में ये किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कर रहे हरियाणा राज्य ने COVID-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के चलते बड़ा फैसला लिया है। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अब फरवरी 2022 में करवाने का फैसला किया गया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जो कि BJP पार्टी से संबंध रखते हैं। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, टफ नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य हैं। हरियाणा के टॉप पड़ोसी यहाँ पर जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। हरियाणा की लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 9 है। हरियाणा के लोक नृत्य खेड़ा, धमाल, मंजीरा, फाग, सांग, छठी, खोरिया है। हरियाणा के राष्ट्र उद्यान कालेसर राष्ट्र उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्र उद्यान है। हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलेनियम शहर कहा जाता है? गुरुग्राम को यहाँ पर मिलेनियम शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व का निर्माण किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में ये निर्माण किया जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। लेमरू हाथी रिजर्व का लक्ष्य हाथियों को स्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ मानव वन्य जीव
संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति के विनाश को कम करना है। भारत के टॉप 5 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, गेरू मारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका भारतीय नौसेना में 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 को शामिल किया गया है, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? बोइंग ने इसका निर्माण किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना को अमेरिका से स्थित एयरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ है। P-81 एक लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है और अमेरिकी नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले P-8A पोस्टडॉन का एक वेरिएंट है। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी मुख्यालय नई दिल्ली है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है। मालाबार नौसेना अभ्यास केंद्र 2 देशों के बीच आयोजित किया गया था, भारत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया था। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया क्या है? ये पनडुब्बी है भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी को किसने विकसित किया था? DRDO और भारतीय नौसेना ने इसको विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा, इस मिशन का नाम क्या है? लूसी इस मिशन का नाम है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन भेज रहा है। लूसी नामक यह अंतरिक्ष यान 2021 में लॉन्च होने वाला है। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम लूसी है, जिसका शाब्दिक अर्थ मानव पूर्व के जीवाश्म कंकाल से संबंधित है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष बिल नेल्सन है। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम है? सनराइज। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? बुध ने। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? अपोलो प्रोग्राम में। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया? नासा। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? वेनिजा रूपानी ने ये नाम सुझाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रगल विद इन ए मेंबर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक लॉन्च है, यह पुस्तक किसने लिखी? अशोक चक्रवर्ती ने इस पुस्तक को लिखा है, डी आपका आंसर हो जाएगा। करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स पुस्तक को संध्या रविशंकर ने लिखा है। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सैंपल लाइफ पुस्तक को नितिन गोखले ने लिखा है। नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक को जीत थाइल ने लिखा है। एस्केप ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फॉगेटिव्स इन लंदन पुस्तक को दानिश ने लिखा है, रूही खान ने लिखा है। युवा भारत दी हीरोज ऑफ टूडे पुस्तक को देवीर सिंह भंडारी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात राज्य में बनाया जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन गुजरात के खावदा में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनने जा रहा है। NTPC 4,750 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगी। वर्ष 2032 तक NTPC ने देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 60 गीगावाट तक कर देने का लक्ष्य रखा है। भारत का सबसे बड़ा पार्क हेमिस पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला लेह कच्छ गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। चीन के सुझोउ में 2023 में BWF विश्व मिश्रित टीम चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी पहले भारत को सौंपी गई थी। भारत ने 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी स्वीकार कर ली है। दूसरी बार होगा जब भारत इस प्रीमियर टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर साल आयोजित किया जाता है। भारत ने हैदराबाद में साल 2009 में अंतिम बार BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेस्ट इंडीज़ के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल हाल ही में 2020 क्रिकेट में कितने हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए? 14,000 रन बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज बन चुके हैं, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा।
चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है? यूनाइटेड किंगडम ने किया है, ब्रिटेन या इंग्लैंड, भी हमें से कह सकते हैं। थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल के किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने इतिहास रचते हुए विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? समीर बैनर्जी ने यह खिताब जीता है, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जून 2021 में भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति कितनी थी? 6.26% थी, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर 2021 से भारत में निम्नलिखित में से किस टीके का निर्माण शुरू होगा? स्पुतनिक वी का निर्माण शुरू होगा, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एयरोस्पेस और रक्षा निर्माता ने भारतीय नौसेना को अपना 10वां P-81 विमान प्रदान किया? बोइंग को यहाँ पर विमान प्रदान किया गया, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने क्विक रेस्पॉन्स कोड के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस मानकों को अपनाने वाला पहला विदेशी देश बन गया है? भूटान यहाँ पर बन गया है, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने ITFS प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए रूपरेखा जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवाओं ने सेवा जारी की है, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? असम ऐसा पहला राज्य है, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।